प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज स्वशासी मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल सौसैया में एक पुराने मरीज की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद मृतक के परिजनों ने सौसैया अस्पताल कोविड डॉट में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं डॉक्टर एवं कर्मचारियों के साथ गाली गलौज एवं हाथापाई करते हुए आरोप लगाया कि रवि कुमार जैन की मौत नहीं हुई है। इतना मामला तूल पकड़ गया कि सौसैया अस्पताल कोविड से सभी डॉक्टर एवं नर्स स्टाफ एवं कर्मचारी भाग खड़े हो गए। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन निकालने से मौत हुई है। वहीं सूचना मिलते ही थाना उत्तर अनूप कुमार भारतीय अपने पुलिस बल के साथ एवं थाना रामगढ़ पुलिस नगला खंगार पुलिस तमाम थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक रवि कुमार जैन के परिजनों को समझा डॉट बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पहुंचे जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक रवि कुमार जैन की तबीयत कल से ही बिगड़ रही थी। हमने कल से लेकर आज तक मृतक रवि कुमार जैन के परिजनों को काफी समझाया मगर उन्होंने एक नहीं मानी। तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मृतक रवि कुमार की बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर परिजनों को दे दिया। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता, SAKH न्यूज। भाई ये यहाँ बहुत तालाबाजी चल रही है, पेशेंट को मार रहे हैं और इंजेक्शन ब्लॉक कर रहे हैं ये साले। इनका ये भगवान मानते हैं, इनको भगवान हम इनको भगवान मानते हैं और हैं ये भगवान वास्तव में, लेकिन इनके कर्म एक राक्षस हो जैसे हैं। जब ये इनका भाई हो, इनका पिता हो, तब इनको मालूम पड़ा कि कैसे आदमी मरता है। इनके बच्चे भी ऐसे ही मरेंगे जैसे हमारा भाई मरा है, ऐसे ही जो जिन जिन इसमें संलग्न है दवा ना देने में, उनके बच्चे भी इसी प्रकार मरेंगे जैसे हमारा भाई मरा है बिना दवा बिना ऑक्सीजन के। ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर भाग गए? क्यों भागे? डॉक्टर कहाँ है? सीएमएस कहाँ है? उस दिन तो ही भागे ना पेशेंट। ऑक्सीजन निकाल देते पेशेंट की, और कई बार ऑक्सीजन चालू कराई है बार्ड वाले कह के ऑक्सीजन आ रहा था मुंह पे, ऑक्सीजन बंद रहती है इनकी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? सीबीआई से इनकी जांच करानी चाहिए, इनकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए, इनकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इसमें हम कई लोगों की डेथ होगी आज ही लाख।